नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में है और इस कहर के बीच पूरे विश्व ने इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोई एक तरीका जो सबसे पहले अपनाया तो वो तरीका अभिवादन के रूप में एक दूसरे को नमस्ते करना था। आपने डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, प्रिंस चार्ल्स सभी को नमस्ते करते देखा होगा और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विश्व नेताओं से मिलते हैं तो नमस्ते ही करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर विश्व में अभिवादन के और भी तरीके थे, तो फिर उन तरीकों में से सिर्फ नमस्ते को ही क्यों चुना गया? नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम, इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल हिंदू धर्म में अभिवादन के लिए होता है। नमस्ते हाल के दिनों में सबसे ज्यादा अभिवादन के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। नमस्ते शब्द और विश्वव्यापी हो गया है। नमस्ते संस्कृत के शब्दों नमस और ते से जुड़कर बना है। नमस का अर्थ झुकना होता है और ते का अर्थ आपके समक्ष। कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक दूसरे के छूने से फैलता है और हाथ मिलाने से हम एक दूसरे को छूते हैं, जिससे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए विश्व ने सबसे पहले अभिवादन के तौर पर हाथ मिलाने से मना कर दिया और नमस्ते करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि पूरे विश्व में कई धर्म है, उन धर्मों के तरीकों को क्यों नहीं अपनाया गया? हम सिर्फ यहां इस्लाम और ईसाई धर्म की बात करेंगे। ईसाई धर्म में अभिवादन हाथ मिलाकर ही करते हैं या फिर अपनों से बड़ों का आदर करने के लिए उनके हाथों को चूमते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के खौफ में अभिवादन के इस तरीके को तो करना संभव ही नहीं, इसीलिए सबसे पहले इस तरीके को दुनिया ने टाटा बाय बाय कर दिया। अब दूसरा तरीका था सलाम करने का। इस तरीके में सिर्फ मुंह से सलाम बोलते हैं या ज्यादातर लोग एक हाथ से अभिवादन करते हैं। ये भी विश्व के लिए एक तरीका अभिवादन का हो सकता था, लेकिन इस तरीके में अगर सिर्फ शब्दों को बोला जाता है तो विनम्रता और बॉडी लैंग्वेज से समर्पण वाली भावना नहीं दिखती, जिसकी वजह से लोगों ने विश्व स्तर पर नमस्ते को चुना। क्योंकि नमस्ते करने के तरीके में दोनों हाथों को जोड़ते हैं, हमारी उंगलियां ऊपर की ओर होती है और अंगूठे को हम छाती से लगाते हैं, कमर और गर्दन को एक साथ झुकाते हैं। नमस्ते करने का मनोवैज्ञानिक फायदा भी है। जब इंसान को बहुत गुस्सा आए तो उसे नमस्कार की मुद्रा में रहना चाहिए, क्योंकि हथेलियों को दबाने से या जोड़े रखने से हृदय चक्र और आज्ञा चक्र में सक्रियता आती है, जिससे जागरण बढ़ता है, आपका मन शांत होता है, जिसकी वजह से आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा। इसीलिए इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए लोगों ने सबसे पहले हाथ मिलाने पर रोक लगाई और अभिवादन करने के तरीके के तौर पर नमस्ते को ही चुना। तो आप भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, वायरस के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, तो नमस्ते की हेल्दी आदत अपने रूटीन में डाल लें। इससे आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखेंगे।